मुनशियात बरामदगी केस राना सनाउला के खिलाफ फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। साबिक वजीर कानून की गवाहों के बयान की कॉपी फराहम करने की दरख्वास्त। राना सनाउला के शरीक मुलजिम उस्मान फारूक ने नए वकील का वकालतनामा जमा करा दिया। हमने तमाम केस पढ़ना है, उसके बाद फर्द जुर्म आयद की जाए। वकला की इस्तेदा समाअत 28 मार्च तक मुलतवी। कौम महंगाई की चक्की में पिस रही है। शहबाज शरीफ मार्च के आखिर तक वतन वापस आएंगे। राना सनाउला की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब यूनिवर्सिटी में जारी डिग्री होल्डर्स और नतजुर्बाकार अफराद को भर्ती करने का केस। साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत 6 अफराद एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने फर्द जुर्म आयद की कार्रवाई से मुतालिक फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। समाअत 21 मार्च तक मुलतवी। ट्रेनों की आमदन और मुसाफिरों को सहूलियात की फराहमी। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की जेर सदारत रेलवे हेडक्वार्टर्स में इजलास। ट्रेनों के औकातकार पर ब्रीफिंग। ट्रेनों की सफाई आउटसोर्सिंग करने की तजवीज पर गौर। शहर पर बादलों का राज बरकरार। 3 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। एबर्ट रोड, शिमला पहाड़ी, गढ़ी शाहू समेत दीगर इलाकों में हल्की बारिश। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे वक्फे से जारी रहेगा। और खराब मौसम और जहाजों की कमी, फजाई मुसाफिरों की मुश्किलें बरकरार। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली 8 परवाजें मंसूख, 3 ताखिर का शिकार। ट्रेन शेड्यूल भी मुतासर। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुतअद्दी ट्रेनें घंटों ताखिर का शिकार। तेजगाम, शालीमार एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस घंटों लेट।